अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जवाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट वर्ल्ड। डिस्ट्रिक्ट वर्ल्ड की जानिब से आज एक और रिसीवर की अनबॉक्सिंग लेके आया हूं, जो कि है रेड टाइगर T3000 फॉरएवर। फॉरएवर का मतलब को आपको पता ही है कि फॉरएवर सर्वर होगा इसमें। साथ में इसमें एक्स्ट्रा जो खूबी है वो है इसका एंड्रॉयड वर्जन, क्योंकि ये है जी एंड्रॉयड में आता है। रेड टाइगर कंपनी का नाम है, ये इसकी पिक्चर है। जैसे रिसीवर होगा हमारा जी, इसमें फॉरएवर सर्वर होगा, एंड्रॉयड रिसीवर भी है। आप इसमें IPTV भी चला सकते हैं बग़ैर डिश, और डिश के साथ इसको आप यूज़ कर सकते हैं। एक इसमें खामी ये है कि इसमें आप एयर सिंक रिमोट या वो जो मोबाइल ऐप होती है वो यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आप हम देखेंगे इसकी पैकिंग पे, तो ये है रेड टाइगर डिजिटल रिसीवर लिखा हुआ इसके ऊपर, एंड्रॉयड होगा, रियल 4K है जी, यानी कि इसमें 4K सपोर्टेड है, वाईफाई बिल्ट इन है इसमें जी, ठीक है जी। और देखेंगे अगर हम CA स्लॉट भी है, 16GB इसमें फ्लैश है, रोम जिसको कहते हैं, और 2GB इसकी रैम है, ठीक है जी। ये बंदे कमेंट्स में क्वेश्चन भी करते हैं जिसमें कितनी रैम रोम है, तो मैं बता देता हूँ, 16GB फ्लैश, 2GB इसकी रैम, ब्लूटूथ सपोर्टेड, नेटफ्लिक्स सपोर्टेड, यूट्यूब सपोर्टेड, टिकटॉक, यानी कि जो एंड्रॉयड की एप्लीकेशन हैं वो सारी इसमें चलेंगी, फेसबुक वगैरह, ठीक है जी। और देखेंगे जी ऑनलाइन अपडेट भी हो जाता है और HDMI सपोर्टेड भी है। साथ में इसके दो रिमोट हैं, वो भी आपको दिखाएंगे कि ये दोनों रिमोट में फ़र्क क्या है। बाकी अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए मैनुअल इसका आएगा, जो चैनल नेम नहीं आएगा, तो ओनली नंबर आएगा क्योंकि इसके बटन ऊपर हैं। अच्छा जी, इसकी देखेंगे हम साइड पे, ये है जी, और साइड पे यहाँ पे कुछ इसकी स्पेसिफिकेशंस लिखी हैं, यहाँ कुछ नहीं है। जो स्पेसिफिकेशन यहाँ पे हैं तकरीबन वो यहाँ भी है। यहाँ पे हम देख लेते हैं जी क्या क्या चीज़ है जी, क्या क्या लिखा हुआ है जी, हम थोड़ा सा गौर से देख लेते हैं जी। इसमें उन्होंने बता दिया जी ऑन चिप एडवांस 8-bit है जी, एम्बेडेड PLL है जी, ये तो यानी कि इसके जो टेक्निकल हैं ये सारा कुछ वो लिखा हुआ है। ट्यूनर है जी, SQ ट्यूनर है, SBDF है जी, की कॉर्ड स्लॉट है जी, ईयरफोन है जी, ऑडियो वीडियो 1DC पावर, वो हम देख लेंगे। इसमें नेटवर्क बिल्ट इन 2.4G ब्लूटूथ है जी, स्टोरेज है जी, USB 2.0 है जी, और ये सारा कुछ बताया हुआ है। हम देखेंगे इसकी बैक साइड पे क्या लिखा हुआ है, जो इसका स्पेसिफिकेशन है जी, जिसके में आप मेन फीचर जिसको आप कह सकते हैं। तो मेन फीचर अगर हम देखेंगे तो इसमें ये बताया हुआ है जी इन्होंने सबसे पहले कि जी मैक्सिमम 4K 2K रेजोल्यूशन सपोर्टेड, ठीक है जी, TVB सपोर्टेड, MPG 4 2 सब सपोर्टेड है जी, ठीक है जी। मैं 4 चैनल HD डिकोडिंग भी करता है वो, जैसे जैसे चैनल अच्छे, जैसे हॉटबॉट वगैरह 4K वगैरह 8K वगैरह चलते हैं वो इसमें सपोर्ट कर देगा। DLNA भी है, MR कॉस्ट भी है, एयरप्ले भी है, GM स्क्रीन सपोर्टेड भी है, सपोर्टेड 3D वीडियो अगर लगाएंगे तो 3D वीडियो वगैरह इसमें USB के ज़रिए आप लगा सकते हैं। ऑल काइंड ऑफ स्टोरेज, रिकॉर्डिंग, प्लेइंग और हर चीज़, यानी कि USB में आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उसमें कोई USB में कोई आपकी म्यूज़िक वीडियो या कोई चीज़ वो भी आप चला सकते हैं। अच्छा, सपोर्टेड नेटवर्क की सर्च, ऑटो सर्च, TP सर्च, सब कुछ सपोर्ट है जी। EPG भी आता है जी, वेदर फोरकास्ट वगैरह जैसे एंड्रॉयड में एप्लीकेशन वो भी सपोर्ट करेगा जी। IPTV और YouTube वगैरह सपोर्ट करता है जो, उसमें USB भी और बिल्ट इन वाईफाई भी है। अगर हम देखें तो इस साइड पे और कुछ नहीं है, तो जाते हैं हम इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ। ओके जी, ओपन करते हैं जी हम इसका बॉक्स। तो बॉक्स में हम सबसे पहले हमारी आएगी जी डिवाइस, रखेंगे थोड़ी सी साइड पे, बाद में आपको दिखाता हूँ। और ये इसकी पैकिंग है जी। पैकिंग में अगर हम देखें तो आते हैं हमारे पास 2 अदद रिमोट्स, ये देखें रिमोट में, ये देखें एक ये टिपिकली जो टाइगर का रिमोट है ये वो है, ये वाला टाइगर का, देखें मोनोग्राम भी है इसके ऊपर भी, टाइगर का मोनोग्राम है सारा कुछ है। लेकिन इसकी खास बात है 2.4 GHz सपोर्टेड, यानी कि ये वायरलेस सपोर्टेड छोटा सा रिमोट है, जो कि आप इस साइड पे या इस साइड पे करेंगे, सामने करने की ज़रूरत नहीं है, ये उसको सपोर्ट कर देगा और चेंज हो जाएगा उसका चैनल वगैरह, ठीक है जी। साथ में आएगा जी हमारे पास एक 1.5 एम्पेयर का पावर सप्लाई आ जाएगी, ये नज़र आ रही होगी आपको। और साथ में आएगी एक HDMI केबल, जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, ये देखें। साथ में आएगी जब हम सेल दे देते हैं, और एक अदद होगा जी हमारे पास यूज़र मैनुअल,
जिसमें इंग्लिश में सब कुछ बताया हुआ आपको, और ये पढ़ने से काफ़ी मदद भी मिलती है, कोई फंक्शन आपने समझना हो तो आप समझ लें। तो ये इसमें एक्सेसरीज थी। चलते हैं हम आपको रिसीवर दिखाते हैं जी अपना, कि रिसीवर में क्या क्या चीज़ है। इसको रखते हैं साइड पे, दिखाते हैं जी अभी हम रिसीवर, और उसको निकालते हैं पैकिंग में से। तो पैकिंग में से ये देखें जी हमारा एक रिसीवर, ये उतार देते हैं थोड़ी देर, फिर लगा देंगे इसको। ये देखें जी हमारे नहायत ही प्यारा इसका बॉक्स है जी, ये देखें, ये इसके जो ऊपर बटन है ये ऑन ऑफ है, ये चैनल अप डाउन, और सामने इसका इंटरफेस कुछ इस तरह आएगा। यहाँ पे वही जो आपको बताया था कि चैनल नाम नहीं आएंगे, चैनल का नंबर ओनली आएगा। यहाँ पे पावर सिग्नल, ये लाइट शो होगी, ये इसका टाइगर लिखा जी टी रिसीवर। यहाँ पे आपका इंफ्रारेड शो होगा साइड पे जी, वेंटिलेशन हैं। इस साइड पे अगर हम देखेंगे तो जी इसके आ जाएंगी पोर्ट्स, जिसमें एक आ जाएगा ट्यूनर, ये कोएक्सियल केबल, यूएसबी सपोर्टेड, यूएसबी 2.0, ये है जी लैन। अगर आपने फॉरएवर सर्वर अच्छा देखना है या आईपीटीवी, तो आप कोशिश करें कि अपने वाईफाई राउटर की लैन केबल को इसके साथ कनेक्ट करें, तो आपकी स्पीड भी और स्क्रैचिंग नहीं आएगी। एचडीएमआई केबल ऑडियो वीडियो पुरानी टीवी के लिए, ये इंफ्रारेड वो उसको सपोर्ट करता है अगर आपने लीड लगानी है। और यहाँ पे हमारा आ जाएगा डीसी 12 वोल्ट का एक अडाप्टर, जो कि पिन यहाँ लगेगी। इस साइड पे वेंटिलेशन, और फिर दो और दो ऑप्शन हैं यूएसबी की, दो वो हैं, और यहाँ पे एक यहाँ पे है, देखें ये यूएसबी इस साइड पे वही है। और नीचे अगर देखेंगे तो आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, ग्रीन कलर का फुल बोर्ड है जी इसमें। ये है छोटा सा, लेकिन ये फुल बोर्ड है, तकरीबन इतना ही बोर्ड होता है, जितने भी आप कुछ बड़ी डिवाइस हो जाए छोटी हो जाए, बोर्ड अच्छा जो बोर्ड होता है वो इतनी ही साइज़ का है। ये इसके वारंटी वायर लगा हुआ है जी, यहाँ पे इसके नीचे एक नट होगा, अगर ये उतरा हो तो समझो ये ओपन नहीं हो, तो यहाँ पे इसके कुछ सीरियल नंबर लिखे हुए हैं। तो ये था जी हमारा एक रिसीवर, जो कि हमारा एंड्रॉयड रिसीवर है जी, T3000 फॉरएवर के नाम से आता है, टाइगर रेड का। तो अभी देखेंगे हम इसकी सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी सॉफ्टवेयर रिव्यू देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ये रिसीवर चाहिए, ये रिसीवर हमें रफ़ीक भाई ने दिया है जी, जिनका है जी अल रज़ाक ट्रेडर्स, नीचे उनका नंबर भी आ रहा होगा यहाँ पे, और उनका नाम भी आ रहा होगा, आप मुझसे भी ले सकते हैं और अल रज़ाक ट्रेडर से भी ले सकते हैं, रफ़ीक भाई होते हैं वहाँ पर, उन्होंने हमें ये प्रोवाइड किया है फॉर अनबॉक्सिंग। अगर आपको ये रिसीवर चाहिए तो आप इसको मंगवा सकते हैं डायरेक्ट उनसे भी और मुझसे भी, प्राइस आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में भी शो हो जाएगी। और जैसे कि आप पूछते रहते हैं मेरे से व्हाट्सएप पे, तो आपको व्हाट्सएप पे भी बता दूंगा। चलते हैं इसके सॉफ्टवेयर रिव्यू की तरफ।